स्नैच क्लीन, क्लीन की टेक्निक, इसको आपको रिपीट 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 कंटिन्यू रिपीट करना है। इसके बाद हम इसकी सपोर्टिंग एक्सरसाइज पे आएंगे, इसकी पावर क्लीन, इसकी फ्रॉम स्नैच क्लीन फ्रॉम द बॉक्सेस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बॉक्स से हम कर सकते हैं, क्लीन फ्रॉम हैंड कर सकते हैं, बिलो द नी अबो द नी और डेड क्लीन, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, जिसकी फास्ट मूवमेंट नहीं हो लेग्स की, क्योंकि क्लीन एंड क्लीन में और स्नैच में आपकी लेग्स की बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए। पहले मैं आपको वही डेड हैंड क्लीन सिखाने जा रहा हूँ, जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। डेड हैंड क्लीन में आपने सबसे पहले अपनी ग्रिप लेनी, शोल्डर ग्रिप के वाइड से जो ऑलरेडी आप क्लीन में लेते हैं, हुक ग्रिप जो लेनी, इसमें क्या होता है आपने आपने मतलब जो नीचे से उठाने में जो स्विंग आपका आ रहा है वो अब नहीं आएगा, वो स्विंग आपको अब नहीं आएगा, आपने अब यहाँ से वेट उठा के इस लेंथ में इसके नीचे आपको घुसना है। आपके एल्बोज इतने फास्ट होने चाहिए और आपकी लेग मूवमेंट इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप इस हाइट में वेट को होल्ड करने चाहिए, जैसे कि हमने बार को पकड़ा अभी डेड पे। आप देख लीजिए मैं कैसे इस बार के अंदर इसी हाइट के अंदर, अभी मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप फास्ट मूवमेंट भी देख सकते हैं। इसी हाइट में रहेगी, बार हिलेगी नहीं, इसे पुल करने के लिए हम टोज में भी आ सकते हैं, जैसे अभी इधर है तो आप इसी हाइट के अंदर 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 मैं आपको स्ट्रोक मोशन में दिखा, इसके अंदर यही हाइट यही है और आपके लेग्स की मूवमेंट और बाजू की मूवमेंट इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप इसके लिए अभी आप देख लीजिए फास्ट हो, ऐसे है हमारा डेड क्लीन। बॉडी के साथ रॉड होनी चाहिए, बॉडी के साथ जितनी बार बॉडी के बाहर रहेगी, क्योंकि ये मसल्स आपको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये छोटी मसल्स है, बैक बड़ी मसल है, दैट मीन्स ये होल्ड कर पाएगी, जितना वेट पड़ेगा उतना बैक वेट उठाएगा। आप देख लीजिए वेट आ गया, डेड क्लीन पे हम रुके हुए हैं, अभी हमारा नीचे से कोई स्विंग नहीं है। आप देख लीजिए खाली मेरी आर्म्स फास्ट बेंड हो रही है और मेरी लेग्स शिफ्ट हो रही है राइट और लेफ्ट की ओर, थोड़े से टो खोल रहे हैं, फास्ट लेग मूवमेंट। आप देख लीजिए एकदम 180 डिग्री में, इसमें आप 180 डिग्री बैठ सकते हैं, 90 डिग्री हमारा ये वाला हो गया और अब आप फुल्ली क्लीन, एल्बोज आपके नीज को टच नहीं होने चाहिए। ये थी हमारी डेड क्लीन, फिर भी मैं साइड व्यू से आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए डेड हाइट हमारी बार की यही है, इस हाइट के अंदर अंदर आपको क्लीन करनी है, आर्म मूवमेंट और लेग मूवमेंट फास्ट करने के लिए किसी भी गेम में आप ये यूज कर सकते हो, लेग मूवमेंट एंड आर्म मूवमेंट। आप देख लीजिए ओके अब हम इसके बाद क्लीन की और एक्सरसाइज हम करेंगे, जो हम अबोधनी से करेंगे। अबोधनी से नीचे वाला स्विंग हमारा अभी भी खत्म है, अभी नहीं कर सकते हैं, ये एंगल नीचे वाला स्विंग नीचे से ज़्यादा वेट होता है और ऊपर से बहुत कम वेट होता है। जब ये एंगल आपका ऊपर से नीचे वाला स्विंग खत्म हो गया, इसके बाद बार आप यहाँ से आए ऐसे आपको एल्बोज डाउन करते हैं फास्ट अंडर द बार। आप देख लीजिए फास्ट अंडर द बार और लेग्स आपकी वाइड हो रही है, ये तो अभी पावर में आप क्लीन कर रहे हैं अभी, मगर आपकी बार हैंग में है। यही एक्सरसाइज आप बॉक्स से भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर बॉक्स 20 सेंटीमीटर बॉक्स 30 सेंटीमीटर बॉक्स एंड 40 सेंटीमीटर बॉक्स से भी आप ये कर सकते हैं। आप फिर से देखिए दो चार रेपिटेशंस, आपको बार अंदर अपने एल्बोज को टर्न करना है फास्ट
और इसके बाद हम इसके बाद हमारी और कुछ एक्सरसाइज है जो हम क्लीन को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। थैंक यू।